तड़के बनी दरिया। आफत में जिंदगी, पानी में तैरती गाड़ियां। घर और अपार्टमेंट में घुसा पानी, पानी पानी हुई राजधानी रांची। एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, कुछ घंटे की बारिश और डूब गई रांची। राजधानी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत, मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड में कुदरत का ऐसा कहर बरपा है कि चाहे राजधानी रांची हो या फिर जमशेदपुर, बोकारो हो या फिर धनबाद, हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है। नदियां उफान पर हैं और शहर के नाले पूरी तरह से भरे हुए हैं, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है और लाचार जनता कुदरती आफत से खुद को बचाने की जंग लड़ रही है। बारिश का सबसे ज्यादा कहर राजधानी रांची पर टूटा है। सड़कें हो या फिर रेलवे स्टेशन, शहर का निचला इलाका हो या फिर पॉश कॉलोनी, हर जगह पानी ही पानी भरा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, लोग घरों में कैद हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रांची में आफत की बारिश, सड़क पर बह रही दरिया, वॉश इलाकों में भी भरा पानी, सड़क, रेलवे स्टेशन, स्कूल, अपार्टमेंट, हर जगह पानी ही पानी है। आसमान से बरसी आफत की बारिश से राजधानी रांची की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। हालात ये है कि पॉश कॉलोनियों में पानी भरने से जिंदगी घरों में कैद हो गई है। हालात ये है कि कई जगह तो 10 से 12 फुट तक पानी जम चुका है। सबसे ज्यादा दिक्कत रांची के निचले इलाके में रहने वालों की है, जहां इतना पानी भर गया है कि पूरा का पूरा इलाका ही तालाब बन चुका है। हालात ये है कि आसमान से बरसी आफत की बारिश ने बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है, जिसमें खुद को बचाने के लिए लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। राजधानी रांची को आज नींद नहीं आने वाली। आसमान से बरस रहा पानी और धरती पर पानी का शोर आज राजधानी वासियों को सोने नहीं देगा। हम इस समय राजधानी रांची के डिबडी के अलकापुरी में आप देख सकते हैं कि जिस घर में हम मौजूद हैं, उस घर के अंदर से नदी की धारा बह रही है। ये धारा बहते हुए सीधे मेन रोड में मिल रही है। घर के लोग परेशान हैं, पानी का करंट इतना ज्यादा है कि अपने ही घर में चलने पर जैसे पाबंदी लगा दी गई। जरा इन तस्वीरों को देखिए। रांची की जिन सड़कों पर गाड़ियां सरपट दौड़ती थी, वही गाड़ी पानी में डूब गई है। परियातू रोड से लेकर स्टेशन का इलाका, हर जगह सड़कों पर पानी ही पानी आपको नजर आएगा। हम लोग कई जगह रिक्वेस्ट किए कि इस तरह का पानी का समस्या है, पूरा डिब्बी का पानी यहाँ बहाव होता है। सब कोई हर साल समस्या से जूझते हैं। बहुत बार प्रयास भी किया कि अपने से कुछ नाली उली बनाया जाए, लेकिन अब तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। कुछ ऐसे ही हालात रांची रेलवे स्टेशन की है, जहां रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेनों के पहिए थमसे गए हैं। जो रेलवे स्टेशन पर थे वो वहीं फंस गए हैं। ना तो गाड़ियां आ सकती है, ना जा सकती है। राजधानी रांची की सड़कों पर बह रही पानी की धारा इतनी ज्यादा तेज है कि उसमें सही से खड़ा हो पाना भी मुश्किल है। रांची के अलकापुरी इलाके की इस घर को देखिए, जहाँ घर में पानी घुस गया है और घर में रखा सामान पानी में तैर रहा है। घर नदी बन चुकी है। एक बार फिर तस्वीर दिखलाते हैं आपको, हम वहीं पर जाकर आपसे हम फिर बात करेंगे कि देख लीजिए ये नजारा है, एक घर का नजारा है, ये घर की सूरत किस तरीके से पानी ने बिगाड़ दी है। रांची के ज्यादातर इलाकों की हालत यही है, जहां भी देखिए वहां पानी ही पानी आपको नजर आएगा। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है जिनके घरों में बच्चे हैं। ऐसे में कब तक इससे राहत मिलेगी, ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है।
रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। बोकारो में हो रही लगातार बारिश के बाद तेनुघाट डैम का गेट खोल दिया गया है। आज डैम के 8 गेट खोले गए जिससे दामोदर नदी उफान पर है और 1,00,000 क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है। बोकारो के सहायक अभियंता ने बताया कि डैम का जलस्तर 583 फीट हो चुका है जिस कारण 4 गेट को खोला गया है और जरूरत पड़ने पर 4 गेट को थोड़ा और खोला जा सकता है। सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड में एक पुल फिर से धराशायी हो गया। पुल टूटने के बाद आम लोग परेशान हैं। भारत नेपाल सीमा पर इस पुल का निर्माण करवाया गया था लेकिन अधवारा समूह की नदी में पानी आते ही यह पुल टूट गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन। के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। सीतामढ़ी जिला भी इससे अब अछूता नहीं रहा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड के रजवाड़ा गांव में और बाके नदी पर तकरीबन 20 साल पहले इस पुल का निर्माण किया गया था और तस्वीर आप देख सकते हैं बीती देर शाम यह पुल धराशायी हो गया और आने जाने के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार 20 साल की कम अवधि में पुल आखिरकार कैसे ध्वस्त हो गई और किस तरीके से इसका निर्माण कार्य किया गया था। आप तस्वीर देख सकते हैं यह बाके नदी है, अधवारा समूह की नदी इसे कहा जाता है और इस नदी पर लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुल का निर्माण किया गया था और पुल की तस्वीर बेसाब बयान कर रही है कि निर्माण कार्य में घोर लापरवाही बरती गई है जिसके कारण यह पुल ध्वस्त हो गया है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीर साफ बयान कर रहा है कि बिहार में पुलों के निर्माण को लेकर किस तरीके की कारगुजारी की जाती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी परेशानी अब हो रही है। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। सब अभी धान रोपने का समय था, अब बहुत लोगों को परेशानी हो रहा है। जैसे जीवन उपार्जन के लिए बकरी भैंसी ये सब का दिक्कत होता है। मैं टूट गया बने के चाहे दूसरा कौन बात है। हाँ, कैसे टूट गया? अब कैसे पानी टूट गया, पाया गिर गया, धस गया। हाँ, तो आप लोग को अब क्या परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत परेशानी है। अच्छा, यही से तो कार्य बार खेत पथार में जाते हम सब। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से लोग आ जा रहे हैं और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यह पुल एकमात्र जरिया था लोगों के आने जाने का और तकरीबन 10 से 12 गांव इस पुल के जरिए ही आते जाते थे लेकिन अब इस पुल के ध्वस्त हो जाने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों का यह डिमांड है कि जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण कार्य कराया जाए ताकि लोगों को फिर से आवागमन में सुविधा प्राप्त हो। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। झारखंड में डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। डेमोग्राफी चेंज पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिए विधानसभा में बयान के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। बता दें कि सदन में सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करते हैं तो बताइए रांची, धनबाद और जमशेदपुर में आबादी किसकी वजह से बढ़ी है। इस खबर पर बोकारो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय कुमार। भाजपा भी बांग्लादेश घुसपैठ संथाल में होने की बात को उठा रहा है और इसके चलते डेमोग्राफी चेंज होने की बात भी कही जा रही है लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल विधानसभा में बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, रांची में डेमोग्राफी चेंज होने की बात कहकर एक नए मामले को और नए तर्क को जन्म दे दिया है। हम खड़े हैं बोकारो के चास में, आप देख सकते हैं कि इसी डेमोग्राफी चेंज की बात हेमंत सोरेन कह रहे हैं जिसके तहत उनका कहना है कि बोकारो में बाहर से लोग आकर बैठे और लोगों
के कारण ही ये डेमोग्राफी चेंज हुआ है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट के निर्माण के बाद लोगों का बोकारो आना हुआ और लोग यहाँ बसे। ऐसे में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने जो है बीजेपी के इस सवाल को दूसरे तरह से उठाने का काम किया है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि लगातार झारखंड में 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात होते आ रही है। इस प्रकार से भाजपा ने डेमोग्राफी चेंज की बात संथाल में कही है, हेमंत सोरेन ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 4 जिलों में डेमोग्राफी चेंज होने की बात कहकर एक नया मुद्दा दिया है और राजनीतिक रूप से हेमंत सोरेन ने एक बड़ी चाल चल दी है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। झारखंड में घुसपैठियों के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में घमासान छिड़ा हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन के बयान के बाद सियासी सरगर्मियां और बढ़ गई हैं। बिहारियों की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठियों से करने पर जमशेदपुर की जनता की राय क्या है, उनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी मामले को लेकर राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है और इसी राजनीतिक घमासान के बीच जहां बीजेपी जेएमएम कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, तो दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बड़ा बयान आया है और उस बयान में उन्होंने साफ तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की तुलना बिहारियों से की है। हालांकि जमशेदपुर की नाम भी सामने आई है, जमशेदपुर में भी कहा गया है कि बांग्लादेशियों की घुसपैठियों की ज्यादा मामले मानगो क्षेत्र में आया। और जहां हम सीधे तौर पर यहां के लोगों से भी बात करेंगे कि जब झारखंड के मुख्यमंत्री ने घुसपैठियों की तुलना बिहार के लोगों से की है तो इसे किस तरह देखते हैं नीरज जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारे हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री हैं उनको पता होना चाहिए कि पहले ये बिहार था, ये बिहार का बिहार में ही आता था, ये बाद में ये 2000 में झारखंड बना। उनको तो इतना पता होना चाहिए, ये यहाँ भी ये डिफिनेशन करने वाले, कभी वो बोलते हैं कि 1932 का खतियान के नाम पर डराते हैं बिहारियों को, कभी बोलते हैं घुसपैठियों के नाम पर डराते हैं, ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? और हमारे जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, वो ये जो बिहारी आदिवासी की जो बात कर रहे हैं तो वो भी पहले बिहार में ही, ये झारखंड जो था वो बिहारी था और बिहार में ही रहते थे, और बिहारियों का जो ये एक मुद्दा उठा रहे हैं बिहारी आदिवासी, लेकिन घुसपैठियों को कुछ नहीं बोल रहे हैं। 2024 विधानसभा चुनाव सर पे है, जिसको लोग लेकर मुख्यमंत्री जी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ बिहारी हैं। मैं उनसे बताना चाहता हूं कि जो संथाल परगना में जो आदिवासी भाई बहनों को खदेड़कर मारा जा रहा, पीटा जा रहा और उन्हें भगाया जा रहा, उनका तो आदिवासी तो यहाँ मूलवासी हैं, पहले उन्हें तो सुरक्षित करें। 2024 में चुनाव में बिहार के लोग जो है इस चुनाव में इसका जवाब देंगे, मगर इस बयान के बाद यहाँ के लोगों में काफी आक्रोश है। हालांकि अब देखना यह है कि क्या इस बयान के बाद आगे की राजनीति क्या कुछ होती है, मगर जमशेदपुर शहर में मानगो में जो लोग रहते हैं वो इस बयान की निंदा कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। अब बात सेहत और स्वाद की खजाना मखाना की। मिथिलांचल के मखाना की खुशबू आज बिहार से लेकर निकलकर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। GI टैग मिलने के बाद मखाना की डिमांड तेजी से बढ़ गई है। यही वजह है कि बिहार सरकार भी मखाना किसानों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई तरह के प्रयास कर रही है। इसी को देखते हुए पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहां किसानों ने मखाना की प्रदर्शनी लगाई है। ये रिपोर्ट देखिए। मिथिला के मखाना की देश दुनिया में मांग, पटना में मखाना महोत्सव का आयोजन, घर बैठे मंगवा सकते हैं मखाना। बिहार के मिथिला में एक कहावत है, मिथिलांचल की पहचान माछ पान और मखान। मिथिलांचल में मिलने वाला मखाना और उसकी खुशबू अब विदेशों में भी पहुंचने लगी है और इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा है। इसी को देखते हुए राजधानी पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आज से शुभारंभ हो गया, जहां मखाना उत्पादन करने वाले किसान न सिर्फ नई तकनीक सीखेंगे बल्कि अपने अनुभवों को भी साझा करेंगे। पटना के ज्ञान भवन में आज से मखाना महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। मखाना जिसे GI टैग प्राप्त है, बिहार की धरोहर मखाना को कही जाती है, उसी का महोत्सव ज्ञान भवन में आज से शुरू हो रहा है, जहां पर बिहार के तमाम किसान पहुंचेंगे जो मखाना की खेती करते हैं या फिर मखाना की खेती करना चाहते हैं, क्योंकि बिहार के मखाना को GI टैग प्राप्त है। मखाना की खेती कैसे किसानों को फायदे पहुंचा रही है, कैसे किसानों को मखाना की खेती से फायदे पहुंच सकते हैं, उसके लिए ज्ञान भवन में पूरी तैयारी की गई है।
मखाना महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि मखाना का उत्पादन और बढ़ाया जाए और इसके निर्यात पर जोर दिया जाए ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो पाए। बिहार की सरकार मखाना के काम में लगे हुए किसानों को उत्साहित प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उसी का परिणाम है कि आज ये मखाना महोत्सव का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे किया गया है। मिथिलांचल के मखाना की मांग आज पूरी दुनिया में है। देश में सबसे ज्यादा बिहार में करीब 85% मखाना का उत्पादन होता है। यही वजह है कि सरकार मखाना किसानों को और नई तकनीक सिखाने की कोशिश कर रही है ताकि उनकी आय बढ़ाई जा सके। पूरे हिंदुस्तान में जितना मखाना होता है उसका करीब 90% मखाना बिहार से होता है और उसमें जो अग्रणी रोल है वो हमारे यूनिवर्सिटी का है। GI जो प्राप्त हुआ वो हमारे विद्यालय की ही देन है कि GI मिला। मखाना किसानों को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है उसी का असर है कि आज मिथिला में देश की 85% मखाना का उत्पादन होता है। मिथिलांचल और कोसी में मखाने का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। मखाना का उत्पादन 16 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया है। करीब 38,000 हेक्टेयर में हो रही है मखाना की खेती। मिथिलांचल के मखाना को मिल चुका है GI टैग। आज मिथिलांचल के मखाना की डिमांड न सिर्फ देश भर में बढ़ी है बल्कि अमेरिका से लेकर सिंगापुर, कनाडा से लेकर जर्मनी तक इसकी डिमांड है। ऊपर से भारतीय डाक विभाग में जिस तरह से मखाना को निर्यात करने की व्यवस्था की गई है मखाना किसान उससे बेहद खुश हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे मखाना का विस्तारीकरण दुनिया के अंदर में जा रही है और इससे मछुआरा का लाभ हो रहा है, लाभ होगा। जैसे कि उत्पादन के लिए सरकार मखाना के लिए सरकार मुहैया करा रहा है साधन सुविधा, बीज के लिए साधन सुविधा मुहैया करा रहा है सरकार। मखाना उत्पादन की वजह से किसानों की आय तो बढ़ी ही है, साथ ही इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला क्योंकि मखाना का उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और हार्वेस्टिंग सब कुछ बिहार में हो रहा है। जब से ये GI टैग हुआ है मिथिला मखाना का और पैकेजिंग शुरू हुआ है तब से मखाना का डिमांड काफी बढ़ गया है और ना सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी पूर्णिया और सीमांचल का मखाना जा रहा है और लोगों के बीच मखाना की खुशबू फैल रही है। मिथिलांचल के मखाना की खुशबू आज दुनिया में फैल रही है। ऐसे में मखाना महोत्सव के जरिए सरकार की कोशिश उन किसानों को नई तकनीक सिखाना और इस प्रदर्शनी में आने वालों को मिथिला के मखाना की अहमियत बताना है ताकि इसके जरिए न सिर्फ उत्पादन बढ़े बल्कि रोजगार के अवसर पैदा हों। पटना से विनीता मिश्रा और पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।